अभी मेरे साथ हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जो योग डिपार्टमेंट है उसके हेड आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेंद्र त्यागी सर, हम लोगों को पढ़ाए भी हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मेरी ओर से, आशीर्वाद दीजिए मुझे भी और भी जितने योग के विद्यार्थी हैं उन सबको। सर, कि जब से अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से शुरू हुआ है तब से लेकर योग की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी है और कोरोना के कारण योग तो और जन जन तक पहुंचा है इसकी लोकप्रियता, तो ऐसे में योग का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या स्कोप आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, अभी गवर्नमेंट के यदि हम सरकारी क्षेत्र में देखें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई इस विशेष जी, यूनिवर्सिटीज में ही है जहाँ भी है जी, अभी विद्यालयों महाविद्यालयों में नहीं है, गवर्नमेंट भी उस ओर प्रयासरत है जी, जी। लेकिन जो बच्चे वास्तव में योग को सीख लेते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए किसी भी काम की कमी नहीं है, वो अपना भी काम कर सकते हैं, अपना सेंटर डेवलप कर सकते हैं। आजकल होटल्स में भी योग थेरेपिस्ट या योग एक्सपर्ट रखे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में योग एक्सपर्ट रखे जाते हैं, गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है उनमें योगा थेरेपिस्ट को रख रही है, नियुक्त कर रही है। लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपने हॉस्पिटल में योगा थेरेपिस्ट या डाइटिशियन को रखते हैं, और भी अपने जो बड़े शहर हैं उनमें बच्चे होम ट्यूशन आदि करते हैं या अपने सेंटर चलाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं जो अच्छे बच्चे जानकार हैं, इस योग के मेहनत करते हैं, लाखों में कमा रहे हैं जी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हमारे विद्यार्थी 92 से लेकर अब तक मैंने देखा है जो करोड़ों अरबों रुपया योग के द्वारा कमाया है, सम्मान भी उन्होंने कमाया है, तो इससे सभी बच्चे लाभ। काफी बच्चे सर विदेशों में भी योग शिक्षा दे रहे हैं, गुरुकुल से निकले हुए ऐसे। हाँ, बहुत, अभी हमारे लगभग चाइना में 200-250 बच्चे थे लॉकडाउन से पहले, यूरोपियन कंट्रीज में है, रसिया में है, अमेरिका कनाडा में बहुत से बच्चे हैं, और वहां भी उन्होंने सेंटर डेवलप कर लिए कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चे वहां से अपना पैसा लाकर ऋषिकेश आदि जो योग की नगरी कही जाती है वहां पर अपने बड़े अच्छे सेंटर डेवलप किए हैं, जिससे वो देश विदेश के सभी योग जिज्ञासुओं को लाभान्वित कर रहे हैं जी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व की बात है। हमें बड़ा, जैसे पिता को अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुशी होती है और उसका गुणगान करता है, अपने बेटे का ही पिता गुणगान करना शुरू कर देता है, वैसा ही हमारा भी है। हम भी जो हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और देश विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं और दूसरों के सामने चर्चा करते हैं कि हमारे विद्यार्थी वहां वहां पर हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि आपने धन्यवाद अपने व्यस्ततम समय में से निकाला समय और हम लोगों को मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।